भारत में कोरोना वायरस रिकवरी टोल पहुंचा 1 लाख के पार। कुल मामले 2,07,000। भारत में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 5,815 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 8,909 नए मामले और 217 मौतें हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़कर 2,07,615 हो गई है, जबकि रिकवरी 1 लाख से भी अधिक हो गई है। मरने वालों की संख्या 5,815 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 8,909 ताजे मामले और 217 मौतें हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में 101,497 सक्रिय कोविड-19 मामले थे, जबकि 1,302 बरामद हुए हैं। रिकवरी दर में सुधार हुआ है, जो 48.31% है। पिछले 15 दिनों में खूंखार वायरस संक्रमण के लिए सकारात्मक परीक्षण करने वाले लगभग 1 लाख लोगों के साथ कोविड-19 मामलों की राष्ट्रव्यापी रैली ने आज 2 लाख का आंकड़ा पार कर लिया। केरल में 30 जनवरी को भारत के पहले कोविड-19 मामले का पता चला था, जबकि टैली को 18 मई को 1 लाख तक पहुंचने में 110 दिन लगे। हालांकि तब से 15 दिनों में नए 1 लाख के करीब मामलों का पता चला है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा है कि देश में 70% से अधिक कोविड-19 मौतें एक से अधिक रोगों वालों की होती है। आज सुबह साझा किए गए स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में अब तक 72,300 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद तमिलनाडु 24,586 और दिल्ली 22,132 मामले हैं। देश भर में 5,815 मौतों में से महाराष्ट्र में सबसे अधिक 2,465 लोग मारे गए हैं। इसके बाद गुजरात 1,092 और दिल्ली 556। सरकार ने परीक्षण बुनियादी ढांचे में भी वृद्धि की है। चिकित्सा अनुसंधान निकाय ICMR के अनुसार 2 जून की सुबह 9 बजे कोविड-19 के लिए 29 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया है। 24 घंटों में से 1,28,000 से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस के मामलों की कुल संख्या 63,78,000 हो गई है, जबकि 3,80,000 लोगों की मृत्यु हुई है। अमेरिका, ब्राज़ील, रूस, ब्रिटेन, स्पेन और इटली के बाद भारत में दुनिया के सातवें सबसे ज़्यादा मामले हैं। अमेरिका ने 1,08,000 मौत के मामलों के साथ 18 लाख से अधिक मामलों की सूचना दी है।